से ईमानदार पत्रकारों में आते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है आज ठोको राज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा, प्यारी समझ गई, खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जली ना तेरी भी जली ना। गाइस वेलकम टू नए रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अखिलेश यादव ठग लाइव, और ये गोदी मीडिया का रोस्टेड वीडियो होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार, और इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में। इन जेल चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अखिलेश जी, आई एम नॉट श्योर द नेशन विल फॉरगिव हिम एवर फॉर दिस वन। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल अन्ना दूंगा। तुम्हारी अपनी बेटी, एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके पिताजी की हत्या होगी, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ, 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिखे हुए लोग, असलामु अलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यार कैसे हो आप सब? दोस्तों आज की वीडियो अखिलेश यादव ठग लाइव होने वाली है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट है और वो पहले यूपी के भी सीएम रह चुके हैं। फिलहाल यूपी में इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, तो अखिलेश यादव इंटरव्यूज दे रहे हैं गोदी मीडिया को और उनकी जमकर ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है फिर की ले रहा है। वाह भाई, बिजली आती नहीं थी इस बार, अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। ये अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी, इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार, कट लंबे लगते थे, सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। ईमानदारी की आमदनी कुतुबशाही की खानदानी, फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, ये सच्चे पत्रकार हैं आप, आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदारी की आमदनी कुतुबशाही की खानदानी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, मैं जानना चाहता हूं कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जानवरों को हम उनके खाने पीने का सब इंतजाम करेंगे, लेकिन आज सड़कों पे क्या घूम रहे हैं? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई और ऑक्स को कितना सड़क पे छोड़ दिया है, मस्त जोक मारा। यूपी में जानवर ने मार दिया, सांड ने दौड़ा के मार दिया परिवार के एक सदस्य को। सबसे ज्यादा घटनाएं इस तरह हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रही हैं या सांड दौड़ा करके मारा, ये उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए सड़कों पे क्या हाल है, विकार है। और रिजल्ट वाला डेट भी आ गया है 10 मार्च। आप कह रहे हैं 10 मार्च बीजेपी साफ, ओवर कॉन्फिडेंस है या थोड़ा अंदर नर्वसनेस है कि अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये देखो फर्श लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग लाल था। लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? सर ये आरोप तो आप पर लगता रहा है, आपकी सरकार पर। समाजवादी थाने में जाओ तो हर जगह जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग है वो यादवों को मिलती थी। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। समझ सकता हूँ क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है आज ठोको राज वाले लोग। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। प्यारी समझ गई। खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आपको इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जली ना तेरी भी जली ना।
आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टांस लेने की क्यों जरूरत है। अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता। आप उसको सही खेल गए वैंच। आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है। मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं। मैं हूं अंजना, हूं मोदी। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा, आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए भगवान, वो ये सब जानने पढ़ने की 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे, तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है। अरे कितने बजे उठते हैं आप? बोला साहब 4 बजे उठते, 3:30 उठते हैं शायद। नहीं वो तो इसलिए था कि कोई बता रहा था कि ये मुख्यमंत्री जी इतने बजे उठ जाते हैं, तो मैंने कहा उनसे पहले उठ जाता हूँ। तो सच्चाई तो मैं उठते कितने बजे? मैं कल से काम करूंगा, चुनाव तक जी मैं मुख्यमंत्री आवास को फोन करके जगा दिया करूंगा कि मैं जग गया हूँ। कल से सुबह फोन करूंगा, और वैसे भी मुझे बहुत दूर नहीं है, मैं आपकी जानकारी दे, मैं खड़ा होकर के भी चिल्ला दूंगा कि मैं जग गया हूँ, तो वो जान जाएंगे। मस्त प्लानिंग। बाबा खुद सोते हैं, आपने देखा नहीं कि एकांत में जा रहे हैं? एकांत में क्या कर रहे हैं? सो जाते हैं जाकर के। वो कहते हैं मैं 4 बजे उठता हूँ, पूजा नहीं 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 मुझे याद है, मुझे अधिकारियों ने बताया कि वो एकांत के लिए 2 घंटे के लिए जाते हैं, तो सो जाते हैं। के लिए जा सकते हैं जाके, वो एक योगी है तो ध्यान लगाते होंगे। देखिए मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री में कोई मित्र ही नहीं है, वो हमारे लिए कह रहे हैं कि मित्र मंडली। अरे मित्र होना तो अच्छी बात होती है, हमें दुख है कि बाबा योगी जी पे कोई मित्र ही नहीं है। क्या दुनिया को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं? आप अभी किसी को बताएंगे नहीं कितने बजे? नहीं उसको गोपनीय रखा है। और मैं बता दूं, अगर उनको टहलने की आदत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता टहलने की आदत होगी। योगा वगैरह करते होंगे, ध्यान लगा क्या योगा करते होंगे? नहीं योगा करते वो, जब योगी नहीं तो योगा क्या करेंगे। योगी वो है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। क्या हमारे मुख्यमंत्री दुख समझते हैं? एक नौजवान आया होगा अगर अपने हक के लिए यहाँ लाठी खाएं, 69,000 वाले मैंने बच्चों को देखा है, कितनी बार अपमानित होकर लाठी खा कर गए, कितनी बार नौजवान यहीं पर आकर के धरना दिए लाठी खा कर गए। कई हमारी बहनें न्याय के लिए अपनी FIR लिखाने के लिए आत्मघात तक करने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री आवास आई। क्या दुख समझते हैं लोगों का ये? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30-11 बजे तक काम करते हैं, उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन, आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? ये फंस गया। वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ, ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। सीरियस पॉलिटिशियन होना चाहिए। आप बोल रहे 3:30 बजे जगते हैं, वो वाकई में उनका सुबह सुबह का एकदम नहीं, मेरा भी यही है टाइम टेबल, ये मत समझिए, यही टाइम टेबल है। If you like the video, do like, share and subscribe to Bilotalk and press the bell icon to get notified. दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और उन्होंने गोदी मीडिया का काफ़ी तगड़े से रोस्ट किया था। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।